पापा, पापा मैंने आपको बोला था आज मेरा बर्थडे है, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी, आप मुझे पैसे देके क्यों नहीं गए? अरे बेटा मैं भूल गया था। आप भूल गए थे या आप मुझे जानबूझ के देना नहीं चाहते थे? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है पापा, जब भी मैं आपसे पैसे मांगने लगता हूँ आप बहाने बनाने लगते हैं, आज दे दूंगा कल दे दूंगा परसों दे दूंगा, आप हमेशा यही करते हैं। अरे बेटा तू परेशान क्यों होता है, रुक मैंने तेरे लिए कुछ पैसे रखे, ये ले। ये क्या, 1000 रुपए बस? पापा मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, कम से कम आप 5000 रुपए तो दीजिए। बेटा मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। इतने ही पैसे का क्या मतलब, मुझे चाहिए तो चाहिए। बेटा बोल तो रहा हूँ मेरे पास इतने ही पैसे हैं। 1000 रुपए दे के आप मेरे दोस्तों सामने बेइज्जती कराएंगे? पापा मैं एक बात बोलूँ आपसे, जब आप बच्चे की ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते हैं ना, तो उसे पैदा भी मत किया करिए। क्या हुआ गुड्डू? मालिक ये मेरा बेटा है, आज इसका बर्थडे है इसलिए वो पैसा मांगने आ गया था। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सर। मालिक मैं ये कह रहा था कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो 5000 रुपए एडवांस मिल जाएगा क्या? हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, तब तक तुम घर का काम कर लो। सुनो छोटू, मैं तुम्हें 5000 रुपए नहीं बल्कि 10000 रुपए दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलिए सर, क्या करना है? कुछ नहीं, वो जो काम तुम्हारे पिताजी कर रहे थे वही काम तुम्हें भी करना है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। बस 1 ही घंटे काम करना सर, बस मैं यूं गया यूं आया। अरे यार अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। अरे बाप रे, क्या हुआ, थक गए? और नहीं तो क्या, अगर मैं थोड़ी देर और काम करता मैं वहीं मर जाता, मेरा सांस फूलने लगा था। बस इतने में तुम्हारा दम निकल गया। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता बीमार होने के बाद भी डेली सुबह से शाम तक यहाँ काम करते हैं, और तुम हो कि तुम्हारा इतने में एकदम निकल गया, फिर भी ये लो तुम्हारे 1 घंटे काम करने के 10000 रुपए। और हाँ तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारे पापा की सैलरी से नहीं काटूंगा। आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? ये पैसे मैं तुम्हें एहसास कराने के लिए दे रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें ये पता चल सके कि तुम्हारे पिता सुबह से शाम तक कितना मेहनत करते हैं इन पैसों को कमाने के लिए। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो 10 होने पूरे 10000 रुपए अपने आवारा दोस्तों पर फूंक दोगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को यही 10000 रुपए कमाने के लिए पूरे 1 महीने तक पसीना बहाना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके इतने पैसे कमाएंगे। बेटा तुम्हारे पिताजी इतना मेहनत तुम्हारे सिर्फ अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो काम वो कर रहे हैं वो काम तुमको ना करना पड़े, इस कारण से तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो सब पता चल रहा है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, बस आपको याद करने का मन कर रहा था। तू गया नहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने? आज तो तेरा बर्थडे था। नहीं पापा, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? अब मैं अपना बर्थडे घर पे ही मनाऊंगा, आपके साथ, माँ के साथ। आप अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए, मैं आपका घर पे वेट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखना पापा, मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगा और कामयाब होके दिखाऊंगा। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी जिंदगी भर बोझ उठाए। नहीं पापा, ना मैं आपको बोझ उठाने दूंगा ना मैं खुद उठाऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश।